लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा, जिसमें सीमांचल क्षेत्र की 3 सीटें शामिल है। एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य दलों के नेता भी सीमांचल में प्रचार प्रसार तेज गति से कर रहे हैं। रविवार को सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व AIMIM प्रमुख ओवैसी जनसभा करेंगे। कटिहार शहर के राजेंद्र स्टेडियम में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संयुक्त रूप से एनडीए जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और शनिवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ ही एनडीए के प्रमुख नेताओं ने 21 अप्रैल को राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित अमित शाह की जनसभा के लिए मंच एवं पंडाल की तैयारी का जायजा लिया। और जनसभा में धूप से बचने के लिए 2 हैंगर लगाए गए, जिससे कि धूप व गर्मी में भी सभा में शामिल होने वाले लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। जनसभा में गृह मंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा सहित कटिहार जिले के एनडीए के सभी जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।